सायकोम स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे आउटपेंटिंग। ठीक है, पहले हमने दो किक सीख लिया है, ड्रॉप किक, लिफ्ट किक, इनटू आउट, इनर कसर। ठीक है, अभी आउटपेंटिंग सीखेंगे। चेंज वे इमोशन डेट, तीनों किक करना जरूरी है। फर्स्ट लिफ्ट किक, फिर इनटू आउट, फिर आउटपेंट। ये बेसिक किक है, ये तो आप लोग रोज करिएगा। अल्टरनेट डे, जैसे एक दिन हैंड मूवमेंट, नेक्स्ट डे आप लोग किक, ऐसे करेंगे आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, आप सीखेंगे आउट पेंटिंग, आउट ऑफ कैसे सर गॉड डिफेंस आके भाई उसको ढीला नहीं रखिएगा, उसको टाइट। अगर कोई धक्का भी दे तो उसको आप टाइट करना है, स्लो रखेंगे लगेगा आपको, इसलिए उसको टाइट करना है। ठीक है, आउट पेंटिंग करने के सबसे ऊपर से बाहर से अंदर आएगा, क्योंकि बाहर से होके अंदर आएगा, अपोनेंट का फेस में अटैक होगा। ये किक आपका फाइट में बहुत ज्यादा यूज होता है, 3 पॉइंट मिलता है फेस में किक करने से। ठीक है, और अगर फाइट में यूज करेंगे कॉम्पिटिशन में, आप अगर फेस में किक मारेंगे ये 3 पॉइंट मिलेगा आपको। ये अगर दो अपोनेंट एक क्लोज हो जाता है तो ये वाला किक यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इस तरह से आप कोई किक पहले लेफ्ट बाद में आपको हाथ रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, टारगेट के लिए बता रहा हूं। पीको उठाइए, पैर पकड़िए, फिर अंदर ले 3 4 5 6 7 8। ये आप पांव को उठा रहे हैं, अटैक के आराम स्लोली इसको छोड़ दीजिए, आराम से आप किक डाउन, आप किक डाउन, आप किक डाउन, किक उठाइए, फिर डाउन, आप किक डाउन, इस तरह से 1 2 3 क्या रिलैक्स करिए, ऐसे राइट हैंड बॉक्स। ठीक है, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए है, बाद में आपका हाथ रखने का, ऐसे हाथ छोड़ के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 पाँव आगे पीछे नहीं करेगा, हर किक में मैं बता रहा हूं, पाँव एक ही जगह रहेगा। 2 3 बाहर से घूम के आएगा, बाहर से ऐसे घूम के किक आएगा, जैसे ये है टारगेट, ऐसे घूम के अटैक डाउन, ऊपर से चलेगा डाउन, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। इसको आपको हमेशा 10-20 टाइम करना, ये किक बहुत इंपॉर्टेंट किक है। आपको फाइट जब करते हैं तो इस किक को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, हो जाता है पैर आपको पकड़ लेते हैं तो आप इसको फेस में से मार सकते हैं। ठीक है, तथा मैं आपको ये टारगेट देने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका किक परफेक्ट होगा, यही तक आएगा, नहीं तो आप यहाँ यहाँ मारेंगे, और जब ये हाथ है आप ऐसे नीचे करके नहीं किक करेंगे। एक जगह हमने शोल्डर लेकर आप बहुत से ऊपर रखिए, लेकिन नीचे ऊपर नीचे करके नहीं रखिएगा। ठीक है, इतना मैं रखे फिर अटैक, वहाँ आराम से करिए, 2 3 4 क्या ओके चेन सेम ऐसे आराम से, 1 2 3 क्या ओके। और हाथ को आप डाउन अपडाउन मत करिएगा, किक को एकदम परफेक्ट ही करिएगा। ये प्रैक्टिस बाद में आपका क्या होगा, सेम बिना हाथ रखे आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 2 अंदर पूरा ले जाओगे, अंदर तक जाएगा, हिट करते हुए इसे इस अंदर तक, क्यों इस तरह बात क्यों पूरा साइकिल चला जाएगा, फिर आएगा 2 3 क्या चेंज 1 2 3 क्या फेस में मारना है, ये फेस की क्या फेस नहीं मार सकते आप, आराम से फेस में किक होगा तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा, मैं पहले भी बता रहा। प्रैक्टिस करते समय वार्म अप बहुत जरूरी है, वार्म अप नहीं करेंगे कि ऊपर नहीं जाएगा, वार्म अप हमेशा करना है। ठीक है, वार्म अप करेंगे तीनों की करना है, एक की करके नहीं छोड़ना है, और ज्यादा से ज्यादा करिए 10 20 30 40 50 तक जाइए, जितना ज्यादा करोगे उतना की बढ़ेगा और स्टेमिना बढ़ेगा। ठीक है, और हो सके तो स्किपिंग किया करिए, स्किपिंग करने से भी आपका स्टेमिना बढ़ेगा, वार्म अप जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं एब्डोमिनल एक्सरसाइज पेट के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा, सिटअप्स। ठीक है, चल टाइक ऑन वी